शांति। आज की तारीख है 31/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। हम तो पतित से पावन बनेंगे लेकिन मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम्हें सृष्टि को भी पावन बनाना है, अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों को भी योग बल से पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न है आज का, बाप का पार्ट क्या है इस बेहद सृष्टि रूपी नाटक के अंदर? बेहद के बाप का पार्ट क्या है? उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना, क्योंकि दुख हरता सुख करता, ये बाप की महिमा है, क्योंकि बाप की ये विशेषता है। रावण की जंजीरों से छुड़ाना, जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। जैसे बाप लौकिक में बाप होता है तो अपनी प्रॉपर्टी का परिचय, जिसको प्रॉपर्टी सौंपने वाले होते हैं उनको उसका परिचय देते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। तो मीठे मीठे शिव बाबा भी हमें अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, नंबर 1 है कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। साइलेंस का शुद्ध घमंड कौन सा? मेरा मुझ आत्मा का स्वधर्म, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और किसकी संतान हूँ? शांति के सागर स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और रहने वाली भी कहाँ की हूँ? शांति धाम की हूँ। और कार्य भी क्या करना है? शांति देने का ही कार्य करना है। तो ये है हमारा शुद्ध घमंड। दूसरी बात है, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। बाबा आते हैं तो ये अविनाशी ज्ञान का रुद्र यज्ञ स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना तन मन धन सब इस यज्ञ में अर्पण करके सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। जो मेरा है वो प्रभु तेरा है। वरदान है आज का, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, उसके अंदर ऐसा भाव बैठ जाए
जैसे वो ही आपका इष्ट बन जाए। ये गलती नहीं करना, शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। हाँ, फिर वो नाम रूप का मोह भी हो जाता है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार कौन से? दिव्य गुणों के। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।